मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आज मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया कि उसके पड़ोसी ने जानबूझकर उसको और उसके पूरे फैमिली पर एक FIR दर्ज करा दिया है, और वो लड़का दिल्ली में हमारे पास क्लास कर रहा था। तो उसने ये पूछा कि मैम क्या मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा, मेरे नाम पर FIR दर्ज है। बेटा, FIR दर्ज होना आपके नाम पर बहुत खतरनाक बात है, और मैं हमेशा आपको समझाती हूँ, आपके पेरेंट्स को समझाती हूँ कि आप लोग, बेटा अगर तैयारी कर रहा है, बेटी अगर तैयारी कर रही है गवर्नमेंट जॉब की, तो आप पूरी कोशिश करिए कि हर तरह के लफड़े से बचिए, ताकि आप पर कहीं पर कोई FIR दर्ज ना हो, खासकर वो लड़का किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं हो और FIR उस पर दर्ज ना हो। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है और अगर आपका सिलेक्शन के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, और जैसे ही आपका नाम, आपके फादर का नाम या जो भी थोड़ा आपके बारे में, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाला जाता है, बेटा आपके खिलाफ जो भी FIR होता है वो सीधा ऑनलाइन अपीयर हो जाता है। और उसके बाद आपके लिए एक प्रॉब्लम होगा कि आपका सिलेक्शन, जो भी आपका जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है, उसको रोक के आपका फिर कंप्लीट डिटेल निकालने लगते हैं कि भाई अगर FIR हुआ है तो क्यों हुआ है। याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा अगर आपका नाम से FIR हो तो। खासकर खासकर जब FIR कोई मॉरल टर्पिट्यूड यानी नैतिक पतन से रिलेटेड हो, जैसे कि कोई लड़की के साथ छेड़छाड़, दहेज का कानून में ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर मान लो आपने किसी के साथ ब्लैकमेलिंग किया हो किसी का, ठीक है, किसी का मॉलेस्टेशन किया हो, ठीक है, रेप अटेम्प्ट किया हो, मॉरल टर्पिट्यूड में समझते हो, जिसमें नैतिक पतन साफ साफ दिखता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि भाई पड़ोसी से झगड़ा है, तो ठीक है, आपसी रंजिश में ऐसा कोई FIR दर्ज हो सकता है। तो इस मामले में कई बार कुछ लीनियंट व्यू लिया जाता है, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिसाइड किया था कि कंप्लीट डिपार्टमेंट के पर निर्भर करता है कि वो सेलेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। मेरा एक ही चीज निवेदन है आपसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके खिलाफ कोई FIR होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इन सब प्रॉब्लम से दूर रहिए। दूसरी बात है, हाल में मैंने यूट्यूब में एक पूरा लीगल प्रोसेस यानी पूरा कोर्ट की प्रोसीडिंग मैंने देखा कि उस लड़के ने अपने खिलाफ जो FIR था उसके बारे में छिपाया था, और उसका मध्य प्रदेश में पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, और जो FIR था बेटा वो FIR क्वैश भी हो चुका था, क्योंकि दोनों पार्टी के बीच में समझौता हो गया था और FIR क्वैशिंग हो चुकी थी, लेकिन उसने इस बारे में छुपाया था। बेटा याद रखिएगा, आप जब फॉर्म भरते हो, जब आपका प्रोसेस हो जाता है पूरा, तो उसमें एक सेक्शन होता है कि क्या आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज है, ये आपके फॉर्म्स में भी होते हैं। और अगर आपने उसमें लिखा है नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने, अगर FIR है तो आपने एक बहुत ही बड़ा जो इंफॉर्मेशन है उसको सप्रेस किया है। अगर वो सप्रेस करोगे तो भी प्रॉब्लम है, सप्रेस नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है। और आपको मैं बताती हूँ, उस कोर्ट में जो ये प्रोसेस चला था कि भाई जो FIR था वो क्वैश हो चुका है, इसीलिए उसने उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो आपको पता है कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया कि भाई पुलिस की नौकरी, जिसमें बहुत पाक साफ एक इंसान का कैरेक्टर को होना चाहिए, और उसमें FIR, फिर उन्होंने सेक्शन पूछा, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने यही फैसला सुनाया कि भाई इसमें FIR होने के बाद भी उसने एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सप्रेस किया था, इसीलिए जो सरकार ने, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने एक स्टेप लिया था कि उसको, उसका सिलेक्शन प्रोसेस में उसको रोक दिया गया था, उसकी बहाली होने के बावजूद भी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, उस जो सरकार का डिसीशन था उसको सही माना गया। यानी कि अगर आप सप्रेस भी करते हैं इस फैक्ट को, चाहे आपके बीच में कॉम्प्रोमाइज भी क्यों ना हो गया हो, आप सप्रेस नहीं कर सकते। और अगर आप सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो आपको जब बताओगे कि FIR हो चुका है, तो बेटा उसका अलग से फिर इन्वेस्टिगेशन चलता है, और आपका जो जॉइनिंग है एंटायरली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ दैट डिपार्टमेंट, उनकी मर्जी। और अगर FIR किसी ऐसे सेक्शन में है जिसमें नैतिक पतन दिखता है, मॉरल टर्पिट्यूड दिखता है, यानी कि जो मैंने कहा आपको,
महिलाओं के खिलाफ कोई केस हो, है ना, रेप केस अटेम्प्ट हो, या फिर मॉलेस्टेशन हो, या फिर दहेज का मामला बन रहा हो, या आपने किसी को ब्लैकमेलिंग किया हो, तो ये सब मामले में बिल्कुल बिल्कुल सरकार सख्त है, आपकी बहाली नहीं होगी। इसलिए याद रखिएगा, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, सबको ये समझाइए, आप सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी से पंगा मत लीजिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए और बहुत सीरियसली तैयारी करिए। आपका एक छोटा सा, जो कहते हैं ना, उन्माद में आना या गुस्से में आना या फिर किसी के बहकावे में आना, आपके पूरे करियर को तबाह कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, पढ़िए और सारे पंगों से दूर रहिए। सरकारी नौकरी आपके हाथ आएगी, उसके बाद आपका पोजीशन ऐसे ही इतना बढ़ जाएगा कि फिर उसके बाद कोई आपसे ऐसे भी ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखेगा, क्योंकि सब चाहेंगे आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो और अच्छा संबंध हो, है ना। याद रखिएगा, अपने आप को सभी पंगों से दूर रखना। खासकर मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा, लड़की उड़की का मामला अभी बिल्कुल हट के रहना, क्योंकि अभी आपके करियर बिल्डिंग का सवाल है। और याद रखिएगा, इन सब मामलों में महिलाओं के खिलाफ जो शोषण होता है, अगर महिला किसी भी जगह जाके कंप्लेन करती है, उनकी सुनवाई होती है। इसीलिए आप कभी किसी को एनॉय मत करिए, खासकर किसी महिला को हो, अपनी पड़ोसी को हो, और किसी तरह का नैतिक पतन का मामला अगर बन जाता है आपके खिलाफ कोई भी केस, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। चलिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू।